हेलो फ्रेंड्स, जीएस फॉर कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आरआरबी एनटीपीसी के सीरीज़ का 7वां सीरीज़ करने जा रहे हैं। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा ए राजस्थान। हमारा 17वां क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी एक दोहरा मॉडल है, ए ब्रिटेन, बी कनाडा, सी यूएसए, डी जापान। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा बी कनाडा। हमारा 18वां क्वेश्चन है, नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है? ए गंगा, बी सतलज, सी महानदी, डी गोदावरी। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा डी गोदावरी। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्ष 2020 का वुमेन्स सिंगल इटालियन ओपन खिताब जीता है? ए कैरोलिना प्लिस्कोवा, बी मार्टिना नवरालीटोवा, सी सिमोना हालेप, डी क्रिस एवर्ट। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा सी। हमारा 20वां नंबर क्वेश्चन है, किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? ए मौर्य वंश को, बी गुप्त काल को, सी वर्धन काल को, डी कुषाण वंश को। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा बी गुप्त काल को। हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ए चिल्का झील, बी वुलर झील, सी लोनार झील, डी सांभर झील। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा ए चिल्का झील। हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन से संवैधानिक संशोधन स्थानीय सरकार को मान्यता और आरक्षण देते हैं? ए 64वें और 65वें स्थान पर, बी 73वां और 74वां, सी 59वां और 70वां, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा बी। हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है? ए झारखंड, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी असम। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा सी उत्तर प्रदेश। हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या हो सकता है? ए 3 महीने, बी 4 महीने, सी 6 महीने, डी 9 महीने। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा सी। हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, लकड़ी लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, जो टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा वह है? ए लकड़ी, बी लोहा, सी मोम, डी सभी साथ साथ पहुंचेंगे। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा डी। हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग के किस हार्मोन का स्राव होता है? ए एस्ट्रोजन, बी प्रोजेस्टेरोन, सी रिलैक्सिन, डी सभी कथन सत्य है। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा सी। हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत कब से अपना पदभार ग्रहण करेगा? ए अगस्त 2021, बी अक्टूबर 2021, सी नवंबर 2021, डी दिसंबर 2021। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा ए। हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ? ए अकबर और शेरशाह, बी बाबर और शेरशाह,
सी औरंगजेब और शेर शाह, डी हुमायूं और शेर शाह। बताइए फ्रेंड्स कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा डी, हुमायूं और शेर शाह। हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अंटार्कटिका। बताइए फ्रेंड्स कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा डी, अंटार्कटिका। हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, गंगा लहरी किस संस्कृत के विद्वान के द्वारा लिखी गई जो शाहजहां के दरबार में राजकवि थे? ए स्वयंभू दिनाकर, बी मुंशी बनवारी दास, सी रजिया बेगम, डी जगन्नाथ पंडित। बताइए फ्रेंड्स कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा डी, जगन्नाथ पंडित। फ्रेंड्स अगर आप सभी को ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड टेक केयर।